देखो वो खैर सिखलाता, तौहीद सिखलाता, ताकि उसके लिए अल्लाह ताला भी दुआ करता। दुआ का मतलब यह है कि अल्लाह अपनी रहमत उसके ऊपर भेजता। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, अल्लाह के फरिश्ते भी उसके लिए रहमत की दुआ करते। उसके बाद कहा कि वह हर समावात आसमान में रहने वाली जितनी मखलूक है सब दुआ करती, कुछ बचा नहीं। वह हर अर्द और जो जमीन में रहने वाले वो भी दुआ करते, वो भी दुआ करते। कहा नमरत फी जौहरिहा, यहां तक कि इस दुनिया में अल्लाह की सबसे बारीक और छोटी मखलूक चींटी वो भी अपने सुराख में दुआ किसके लिए करती है। कुरान और हदीस सिखलाने वाले, खैर की तालीम देने वाले इन्हीं लोगों के लिए। जो सिलसिला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने सुफा के चबूतरे पर शुरू किया था और वो सिलसिला आज तक चलता हमारे और आप तक दीनी तालीम की शक्ल में, अरबी और शरीयत को सीखने की शक्ल में मौजूद है, उसी सिलसिले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके लिए ये दुआ करती। वहां तक हो फिर बार, और मछलियां भी समुन्दर की तहों के अंदर युसल्लूना युसल्लूना, ये सब रहमत की दुआ मांगते। अल्लाह वो इंसान जो अल्लाह के दीन से जुड़ा हुआ है, ये हदीस बताती है कि अल्लाह का वादा है भूखा नहीं रह सकता।